आई होप सब बढ़िया होगे। तो आज तुम्हारा भाई आया हुआ है जेल मोड़ पार्क, ओके। तो ये जो पार्क है आई थिंक इधर ही बना है, इसी साल में कभी शायद मई वगैरह में बना है ये पार्क। और आई थिंक ये पार्क बहुत बड़ा है, 30 एकड़ के लगभग जो ज़मीन है उसमें ये पार्क बना है। और आई थिंक इसको बनाने में आई थिंक 145 करोड़ के लगभग खर्च आया था, जिसमें से कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने दिया था और जो कुछ पैसा होता है वो क्या बोलते हैं अपनी गवर्नमेंट जो होती है झारखंड की, झारखंड बोलते हैं, रांची की जो गवर्नमेंट है उसने बाकी पैसा दिया था। तो अंदर जाते हैं फिर दिखाते हैं आपको क्या है क्या नहीं, कैसा है क्या नहीं। तो ये गाइस यही जो है वो एंट्रेंस है इधर से, ये बाहर का एरिया, पार्किंग लॉट वगैरह यहाँ पे। और वहाँ देखो जो दो गार्ड बैठे रहते हैं ना हमेशा वहाँ पर तैनात रहते हैं, ये पूरा पार्किंग लॉट वगैरह दिया हुआ है, ये दो हाथी स्वागत के लिए लगाए हुए हैं। और ये देखो दो अंकल लोग बैठे रहते हैं, ये पहले इन लोगों को मतलब भी नहीं है। तो ये लोग चेक करते हैं कि कुछ है कि नहीं है खाने वाला, ताकि कोई उठा के इधर फेंके ना। तो अंदर से ये जो सीन है गाइस देख रहे हो, पूरा वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा फैला हुआ है, ये बहुत हार्ड लग रहा है भाई। पेड़ वगैरह देख रहे हो, लग नहीं रहा कि भाई रांची में, आई थिंक ऐसा लगा कि क्या बोलते हैं यार दिल्ली का कोई पार्क वगैरह या ऐसा कुछ है जहाँ आ गए, अलग लेवल का लग रहा है भाई, ओपी बोलते हैं। और आगे दिखाते हैं कि कहाँ से कहाँ स्टार्ट है, बाकी कुछ सीन्स तुमको दिखा रहा हूँ देखना। अभी यहाँ का एक म्यूज़ियम भी है आई थिंक, जो पता नहीं किधर है, पर आई थिंक उस साइड एक म्यूज़ियम है, उधर जाएंगे बाद में, पहले इधर का कुछ एक्सप्लोर कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ओए एक बच्चा था। तो यहाँ से आते हुए देखो एक गौतम बुद्ध की जो है एक मूर्ति दी गई है। बाकी यहाँ आई थिंक पार्किंग लॉट में जाने का ये जो रास्ता है, ये पार्किंग लॉट में जाने का या बेसमेंट पार्किंग वगैरह जो है एंट्री वगैरह है। और ये जो दीवार देख रहे हो ना, ये पूरी जेल थी उधर, उस साइड का पूरा आई थिंक म्यूज़ियम उधर ही है, जेल वगैरह उधर ही आई थी। तो यहाँ पे तो बैठे हैं तो कुछ कर तो नहीं सकते हम, तो आगे बढ़ते हैं जो क्या होता है। ये है, ये तो भैया आपकी डस्टबिन। और ये क्या है, अब ये बंदर है या क्या है पता नहीं, कुछ तो है लेकिन पता नहीं क्या है। कमेंट से बताना दोस्त ये है क्या, आखिर किसी को पता हो अगर तो बताना ज़रूर। अभी देखो सीटी बजने का पता ही ना, अगर इस घास पे चढ़ोगे ना तो वहाँ से सीटी बजेगी। और यही जो है एरिया है पूरा आपका यहाँ से लेके वहाँ तक। अच्छा अभी आपको आगे जाता हूँ तो पूरा दिखाता हूँ। थोड़ा दूर चलने पे गाइस आपको यहाँ पे बैठने की जगह मिल जाएगी पूरा यहाँ से वहाँ तक। और आई थिंक उस साइड जो है वॉशरूम वगैरह मिल जाएगा आपको, उस साइड इसके उससे जो पूरा ऊपर से है ना सीलिंग वगैरह जो शेडिंग टाइप का है अंदर के साइड, वहाँ आपको वॉशरूम वगैरह मिल जाएगा अगर आपको लेना है तो। ये देखिए पूरा हार्ड एकदम लग रहा है, मस्त लग रहा है। उधर कुछ लग गया फोटो वगैरह खींचती मैं, उधर से क्या काम। मतलब फैमिली के लिए आने के लिए अच्छी जगह है, पूरा कैमरे वगैरह लगे हुए हैं पूरा ऊपर देख रहे हो है ना। घूमने के लिए मतलब कि टाइम पास वगैरह अगर मन उब गया है, रह रहे रूम पे घर पे कहीं, मान लो या फिर रांची आए हो कहीं घूमना है, तो आई थिंक एक बार ये पार्क ज़रूर विज़िट करना, मज़ा आएगा बहुत। ये देखो अब देखो सामने एकदम तुमको मॉल दिख जाएगी, न्यूक्लियस के जस्ट सामने पार्क है, एकदम ओपी लोकेशन है। अंकल लग देखो खैनी बना रहे हैं, अंकल लोग खैनी खा रहे हैं, मांग ले क्या, देखो उधर जाए मना कर दिया, चलो चलो जाने के लिए मना कर दिया गया। और यहाँ देखिए बैठे हैं कुछ क्या बोले, वहाँ देखिए आइए ये भी आई हैं हमारे साथ, हमारी आप ही हैं ठीक है, अच्छा हाई कर ले। और अभी तो आने जाने की फ़ीस वगैरह है नहीं, बट आई थिंक बाद में फ़ीस वगैरह ज़रूर मतलब कि लेगा टिकट वगैरह की फ़ीस, अभी तो बना है ना तो इसलिए पहले वो कर रहा है अपनी तरफ रुझा रहा है। यहाँ कुछ भाई लोग फोटो ले रहे हैं। और ये देखो पूरा एरिया बच्चों के खेलने के लिए है, समझ रहे तो मतलब सही जगह है, बड़ी जगह, मज़ा आएगा। अब इसके बाद इधर देखने के बाद आई थिंक मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा, अगर म्यूज़ियम के बारे में पूछता हूँ अगर
म्यूजियम के बारे में पता चला कि अगर खुला है या फिर जेल के साइड का रास्ता खुला है तो मैं तुम लोग को वहाँ स्टार्ट करता हूँ वीडियो। अभी तो आई थिंक पॉज करता हूँ। ओके, अभी मैं जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं जाऊँगा अभी जेल साइड। आई थिंक इधर जेल इधर ही बताया गया, जैसा मेरे को कि जेल इधर ही है। बाकी देखते हैं क्या है क्या नहीं कैसा है। सो गाइस ये है जो है मज़ा आए वो की चीज़ें। आई थिंक जेल इधर ही है, किधर है? हाँ जेल आगे की साइड है, बिरसा मुंडा संग्रहालय पता नहीं क्या है। ओ म्यूजियम है आई थिंक, ये जेल नहीं है। सो इसको कितने क्या है, ये देखिए मंदिर है, दुर्गा माँ का मंदिर है, दुर्गा माँ। यहाँ से एक और एग्जिट है लेकिन यहाँ से आना जाना बंद है। और देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, यही है बिरसा मुंडा संग्रहालय, अंदर जाने का रास्ता भी फोटो खिंचवा रहे हैं। आई थिंक अंदर यही तो है ब्रो, आई थिंक जेल भी है। और ये देखो ये सारी जेल है आई थिंक। ट्राइबल रिवॉर्ड्स के बारे में लिखा हुआ है भगवान बिरसा, और ये देखो ये जेल है। कबूतर ज़्यादा किया जा रहा है। ये है आपको म्यूज़ियम, आर्ट म्यूज़ियम, लैंड ऑफ झारखंड। ये झारखंड के बारे में बताया गया है, यहाँ के ट्राइबल्स के बारे में बताया गया है कि कैसे रहा जाता था, कैसे रहते हैं लोग यहाँ पहले। अभी तो भाई चेंज हो गया है ना, पहले तो ऐसे लोग रहते थे झोपड़ियों में, तो उसमें वो है खाना बनाने की जगह आई थिंक। वहाँ देखो काम कर रहे हैं अंकल जी, हाँ थोड़ी लेकर भाग जाएंगे। और दादी जी वहाँ कुछ कर रही हैं, पता नहीं कुछ तो कर रही हैं, डोंट नो व्हाट शी इज़ डूइंग, लेट मी सी व्हाट हैपेंड। यहाँ देखो आंटी जी बैठी हुई हैं, ये हैं सिक्योरिटी गार्ड आंटी। यहाँ देखो ये हैं अंकल जी, लकड़ी काटे हैं बोझा। ओ भाई ये देखो मेन तो इधर बना हुआ है यार, ये देखो आगे देखो गंगा नारायण सिंह 1832 से 1833 शायद कोई वो हैं, फ्रीडम फाइटर हैं ये। योगदान होगा, ये कचरे की सफाई हो रही है। ये देखो ट्राइबल्स वगैरह पूरा बना हुआ है आई थिंक। ओह देखो अंग्रेज से हाथ मिला रहे हैं, अंग्रेज से लड़े राजपूत के बारे में दिखाया गया है, ट्राइबल्स के बारे में। ये अंगलों घूम रहे हैं कर। और ये जो मूर्ति है आई थिंक ये किसकी है, ये है पोटोहो की है, 1837 में इनकी इंतकाल हो गया था। और ये है वीर बुद्ध भक्त 1832। ये हो गए आपको भागीरथी मांझी और मांझी, अच्छा और मांझी भी, अच्छा अभी और मांझी जाना है, वहाँ की भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, डू चेकआउट। ओके और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई लोग, वरना भाई वीडियो डालूँगा देख ही नहीं पाओगे, फिर क्या फ़ायदा। ये देखो सन्यासी बाबा साधु बाबा बैठे हुए हैं, उपदेश दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, सुन रहे हैं लोग। ये आई थिंक वीर बुद्ध भक्त, ये क्या बोलते हैं वीर बुद्धा जो भगत हैं उनके बारे में ये पूरा ऊपर से तक जो है ये कढ़ा हुआ है। यहाँ के बाद पता चला कि यहाँ पे है भगवान बिरसा मुंडा जी की स्टैचू, उनका जो जन्म है आई थिंक 1875 में वहाँ लिखा हुआ है, और 1900 में वो दुनिया से गायब हो गए थे। और ये रही उनकी। तो गाइस आज का यहाँ हमारा हो गया है, हम लोग निकलते हैं अब खाने के लिए कुछ लाइक मोमोज वगैरह कुछ जो भी मिलेगा, उसके बाद घर निकलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और जाने से पहले एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक नीडेड, मेरे को ज़रूरी है, कर देना। सी या, बाय बाय, टेक केयर।